देखो मुझे लगता है बामला फाउंडेशन और आसिफ भाई बैंड्रा के लिए बहुत कुछ चीज़ें करते हैं और बॉम्बे के लिए भी करते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी कॉरपोरेटर बैंड्रा के हैं, मेरे हिसाब से तो सारे चोर के चोर हैं। तो भाई ने हमेशा अच्छा किया है और अच्छा करते हैं, और देश के लिए भी कर रहे हैं, कंट्री के लिए भी कर रहे हैं, और बैंड्रा के लिए भी कर रहे हैं, और पेड़ लगा रहे। आज वन महोत्सव है और उसमें ट्री प्लांट्स हो रहे, फिर इनका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, वहाँ पे भी सारे लोगों को बुला के एंटरटेन भी करते हैं और अच्छे काम भी करते हैं। तो इट्स अ नाइस थिंग, आप आइए ना। आई एम ऑलवेज सपोर्टिव टू गुड थिंग्स। हमारे एक बार कैमरा घुमाइए, सबसे वुमन पावर अंजुमन स्कूल डायनामिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, और अभी अभी मुझे जाने हैं। इन्होंने इनसे आप लीजिए क्योंकि रियल काम ये कर रहे हैं अपना। ये इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाई है जो मैं इतना बड़ा एक्टर होके भी मुझे नहीं पता था, और आई एम श्योर 90% लोगों को ये बात वर्ल्ड में नहीं पता है और हिंदुस्तान में भी नहीं पता है। आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो आपने मुझे पब्लिक? बहुत बड़ी बात है कि आपने ये फैक्ट एक्सेप्ट किया। आई एम फेमस फॉर दैट, आपको मालूम नहीं है। लेकिन हम जो स्कूल्स हैं वही एक मतलब इनकलाब ला सकते हैं, और सेलिब्रिटीज़ अगर उसमें जॉइंट हो जाते हैं तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये सारे काम सिर्फ ऑन पेपर या दिखावे के नहीं है, बट जेन्युइनली हमें इसे करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। बामला फाउंडेशन आपके साथ है हमेशा। थैंक यू। एजाज खान एज ए सेलिब्रिटी ऑलवेज विथ यू इंशाल्लाह ताला। अच्छे कामों में हमेशा रहना चाहिए, और मैं अच्छे काम का साथ दे रहा हूँ। आसिफ भाई भी हमेशा अच्छे काम करते हैं। आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर। अल्लाह का शुक्र है, और रमज़ान के पाक महीने में इतना बड़ा दिन है, जुम्मा है, आखिरी जुम्मा है, अलविदा जुम्मा है, और उस दिन मैंने अच्छा एक पेड़ लगाया है, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि वो पेड़ कल को मैं रहूँ ना रहूँ, वो पेड़ लोगों को छाया देते रहेगा, ऑक्सीजन देते रहेगा, फल देते रहेगा। बस फल तो नहीं आएंगे उस पे भाई। ओ, अच्छा, दूसरा वाला पेड़ है। ये मेरा फल का पेड़। तो छाया और ऑक्सीजन तो जरूर देगा, क्योंकि वो एक नंबर पेड़ है इंशाल्लाह। ऐसे कई सारे लोग जो फलदार पेड़ लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, उनका भी एक मिसाल। आजकल क्या है ना, लोग खाली फलदार पेड़ ना अपने फार्म में ही लगाते, अपने बंगले के पीछे लगाते, इस तरह ही लगाते हैं। कोई सर अभी वो बंद हो गया सब, लेकिन हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब लोगों को एहसास होने लगेगा, सारे बैंड्रा के चोर जो कॉर्पोरेटर है उनको बच्चा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बच्चों से बहुत सारी चीज़ें जो तुम सीखते हो। मतलब बच्चे अगर रोज़ा रख के और पूरा दिन ऐसे चिल्ला सकते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो दो बार में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ प्लीज़। मतलब इंटरव्यू में बीच में कोई बात नहीं, माफ़ करो उनको, उनका नाम मेहराज भाई है, आसिफ भाई के बहुत खास है। ईद में हमेशा घर पे ही सेलिब्रेट करता हूँ, घर पे ही करनी चाहिए हर इंसान को, लेकिन इस बार मैं ईद सेलिब्रेट नहीं करूँगा, मेरी फैमिली करेगी, मैं नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि पाकिस्तान और सीरिया में जितने मुसलमान, सोमालिया में, बर्मा में, टर्की में, जिन पे जुल्म हो रहा है, उन मुसलमानों का जब तक हिसाब नहीं होगा मैं ईद पे नए कपड़े नहीं सिलाऊंगा। ईद मनानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, कि लेनी मैं नहीं मनाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना एक चॉइस है, मेरे घर वाले मनाएंगे। मेरी माँ ने भी मुझसे कहा कि बेटा तू मना, ईद मनाना फ़र्ज़ है, ये है। मैंने बोला ये मेरे और अल्लाह ताला के बीच में है, मैं ईद मनाऊंगा लेकिन मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, बस। क्योंकि अगर ईद मनाना फ़र्ज़ है तो अगर आपके घर में मैयत हो जाती है, आपके घर में लोग मर जाते, तो आप ईद नहीं मनाते हो। तो मेरा ऐसा है, और बाकी सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन सीरिया और पाकिस्तान के मुसलमानों को दुआओं में याद ज़रूर रखना, शुक्रिया। हमारे स्कूल में आए, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी स्कूल है आशीष सर।